हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लर्निंग टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। यहाँ हम करते हैं सोशल मीडिया के गलियारों की बात और दिखाते हैं कोई वीडियो झकास, ताकि बड़ी बड़ी कोठी बंगले वाले लड़के लड़कियों को लगे हम भी कोठी बंगले वाले हैं। और धन्यवाद, अब फटाक से करते हैं शुरुआत और आपको ये बताते हैं कि आज के शो में क्या है खास। इन एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप, असदुद्दीन ओवैसी पर हमला, लोगों ने क्या क्या नए एंगल खोजे। पापा के लिए इस बेटी का प्यार देखकर हर कोई भावुक हो गया। सपा उम्मीदवार के डांस पर लोगों का पेट काहे पिरा रहा है। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात, लिफ्ट मांगकर कई देश घूम चुके इस लड़के की। लेकिन सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात ट्विटर के कोठी बंगले की। आज ट्विटर पर असदुद्दीन ओवैसी की चर्चा हुई, उनसे जुड़े कई हैशटैग और कई ट्रेंड्स छाए रहे। इसकी वजह एक दिन पहले उन पर हुआ हमला बना, इसके बाद सरकार ने उनको जेड सुरक्षा देने का ऐलान कर दिया। ट्विटर पर असदुद्दीन ओवैसी, CRPF, BJP समेत कई सारे हैशटैग चलते रहे। पूरा मामला और इस मामले पर लोगों ने क्या कुछ कहा वो सब हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पे भी लोगों ने इस हैशटैग पर कैंसर जंग जीतने की कहानियां वगैरह शेयर की। हमने भी अपने डेली शो सेहत के कैंसर पर जागरूक करते शो आज सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं, उनसे भी आप काफ़ी कुछ जानकारी ले सकते हैं। दूसरी सुर्खी यूपी चुनावों से जुड़ी है। बीते कुछ दिनों में यूपी से कई सारे वीडियो वायरल हुए हैं। अब यूपी से एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो हमीरपुर की राठ विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार चंद्रवती वर्मा का है, जो अपनी बाकी दो महिला दोस्तों के साथ ओले ओले गाने पर डांस कर रही थी। इस डांस के दौरान तीनों ने क्रॉप टॉप पहना था, जो लोगों को बड़ा बुरा लग गया। वीडियो सामने आया तो लोगों ने उन्हें और समाजवादी पार्टी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि आजकल की राजनीति में बड़े नेताओं का टिकट काटकर नाचने गाने वालों को प्राथमिकता दी जा रही है। एक यूजर ने लिखा कि सैफई महोत्सव में नाचने की तैयारी करती हुई हमीरपुर की राठ विधानसभा से सपा की महिला प्रत्याशी चंद्रवती वर्मा अपनी दो सहेलियों के संग ओले ओले कर रही हैं, ऐसा इन्होंने लिखा। इसके अलावा एक यूजर ने इसे कांग्रेस की प्रत्याशी अर्चना गौतम से जोड़ दिया। यूजर ने लिखा कि कांग्रेस के हस्तिनापुर प्रत्याशी से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी ने राठ से चंद्रवती वर्मा को प्रत्याशी बनाया। कुछ लोगों ने चंद्रवती का समर्थन भी किया। एक यूजर ने लिखा कि जब एक्ट्रेस पर्दे पर ऐसा करती हैं तो उन्हें सम्मान मिलता है और राजनीति में आने पर अपमान क्यों दिया जाता है। मतलब लोगों को इससे भी दिक्कत है कि एक लड़की खुलकर कैसे नाच रही है, और नाच रही है तो नेता कैसे बन सकती है। उनके हिसाब से छोटे कपड़े पहनने वाला कोई नेता कैसे बन सकता है। देखिए जी, बात ऐसी है कि नेता क्या पहनते हैं, किस चीज पर नाचते हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, इससे ज्यादा ध्यान अगर आप इस बात पर देंगे कि वो आपकी भलाई के लिए क्या कर सकते हैं तो बेहतर होगा, उस हिसाब से उनको जज कीजिए। डांस ही कर दिया है, कहीं दंगा वंगा तो फैलाया नहीं है, काहे लोड ले रहे हैं। नेता विकास करें, फिर चाहे वो कच्चा बादाम पर रील ही बनाए, उस पर फोकस करिए, है ना। नाचने नचाने के बाद अब बात एक वायरल लेटर की। नाना, ये कोई ओपन लेटर या लव लेटर नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश PAC के ADG BR मीणा का जारी किया हुआ लेटर है, जिसे पढ़कर लोगों को अहम ब्रह्मास्मि वाली बात याद आ गई। दरअसल भजनी राम मीणा, जो इनका पूरा नाम है, इन्होंने यूपी PAC के सभी कमांडेंट और अफसरों को पत्र लिखकर खास आदेश दिया कि आदेश में क्या था वो बता देते हैं, और खास बोल दिया, मैंने खास आदेश दिया। आदेश में BR मीणा ने कहा है कि उनकी फ़ोटो को सभी अफसर अपने ऑफिस में लगवाएं। इतना ही नहीं, उन्होंने फ़ोटो किस साइज की लगाई जाए और कहाँ मिलेगी ये सब भी बताया है, माने किस दुकान में मिलेगी ये तक बता दिया। ऐसा तो अब तक बस प्राइवेट स्कूल वाले करते थे कि बच्चे के लिए किताब से ले कर कॉपी का कवर तक फलानी दुकान से ही लेना है। हमने तो ऐसे स्कूल भी देखे हैं जो बच्चों को रबर, वो आपके यहाँ क्या कहते हैं उसको, मिटन्ना, वो इरेजर तक पर्टिकुलर किस दुकान से खरीदना है ये बताते थे। ये कह के कि अब तुम छठवीं पहुंच गए हो, अब तुम ये सफ़ेद वाला नहीं पीला वाला मिटन्ना लाना जो फलाने की दुकान पर ही मिलता है। खैर, विषयांतर हो गया। तो लेटर एकदम जिन्हें मिलना था उनके अलावा और भी बहुतों तक पहुंच गया। चिट्ठी आई है, वतन की मिट्टी आई है गाने के बाद लोगों ने कहा लेटर को देख के कि लगता है कप्तान साहब जल्द ही VRS लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसके अलावा एक दूसरे यूजर ने लिखा, हम ब्रह्मास्मि, चीज़ों के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्यों के गिरने का कोई नियम नहीं होता, लेकिन चीज़ें कुछ भी तय नहीं कर सकती, अपने गिरने के बारे में मनुष्य कर सकते हैं। इस बारे में भजनी राम ने आज तक से बात करते हुए कहा कि ये आदेश कहीं से भी गलत नहीं है, ये पुरानी परंपरा रही है कि दफ्तर में सीनियर अफसरों की तस्वीर लगाई जाए ताकि मातहतों को अपने अफसर के बारे में पता रहे कि कौन किस रैंक का अधिकारी है। यदि ऐसा है तो फिर इस चीज़ की जांच कराइए कि चिट्ठी में इतनी नमक मिर्च लगा के खबरें कौन उड़ा रहा है। वैसे जानकारी के लिए हमने भी साइड में भजनी राम जी की फ़ोटो लगा दी है, फ़ोटो लगती रहनी चाहिए, सब उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे। चलिए शो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। गुरुवार यानी कि कल शाम असदुद्दीन ओवैसी के एक ट्वीट से यूपी की राजनीति में भूचाल आ गया।
राजनीति में भूचाल आ गया वाली लाइन बोलने में ऐसे पत्रकारों टाइप फील होता है, इसलिए बोल रहे थे, वरना हुआ तो ये था कि हड़कंप मच गया था। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि मेरठ से दिल्ली आते समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हापुड़ के नज़दीक छिजारसी टोल पर उनकी कार पर गोलियां चलाई गई, 4 राउंड फायर हुए, 3-4 लोग थे, हमला करके सब भाग गए और हथियार वहीं छोड़ गए, मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई लेकिन मैं दूसरी गाड़ी से बैठकर वहां से निकल गया, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट आते ही राजनीति गरमाई और लगभग सभी पार्टियों ने ओवैसी पर हमले की निंदा की। इसके बाद यूपी पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए CCTV खंगाल कर हमले के आरोप में सचिन और शुभम नाम के 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इस पर लोगों ने कहा कि यूपी में चुनाव काफी निचले स्तर पर चला गया है। एक यूजर ने लिखा कि ओवैसी की गाड़ी पर हमला अत्यंत निंदनीय है, आपकी विचारों से असहमति हो सकती है, लेकिन ऐसे किसी प्रतिष्ठित नेता की गाड़ी पर गोली चलाना देश के लोकतंत्र को शर्मसार करना है। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, यूपी के सीएम से यह पूछना था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब पर गोली चलाने वालों की संपत्ति कब जब्त होगी और बुलडोजर कब चलेगा। इसके साथ ही कई लोगों ने इस हमले पर सवाल उठाए। अभी तक सब ठीक था लेकिन बाद में इस मामले में एक नया एंगल निकलकर सामने आ गया। सोशल मीडिया पर कई वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि सचिन बीजेपी से जुड़ा हुआ है, आरोपी जो हमले का आरोपी है। मामले के बाद से ही सचिन की बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कई लोगों ने इसे बीजेपी का मास्टर प्लान तक बता दिया। आरोपों में किसी ने हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश बता दी। एक तस्वीर चली और खबरों में भी खूब चली जिसमें एक लड़का योगी आदित्यनाथ के साथ, एक युवक योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आ रहा था। पहले खबरों में उसे भी सचिन बता दिया था, बाद में पता चला नहीं वो सचिन नहीं था, कोई और था। इन खबरों के चक्कर में लल्लन टॉप ने भी सेम गलती कर दी थी, वो फोटो यूज कर ली थी, फिर हमने माफ़ी मांग ली। गलती हो जाए तो माफ़ी मांगने में लल्लन टॉप देर नहीं करता, गलती हुई तो स्वीकार लेते हैं, अपना कोई एजेंडा तो है नहीं कि झूठ फैलाएंगे। माफ़ी तो हम ऐसे मांग लेते हैं जैसे छोटी छोटी तहसीलें रेल का स्टॉपेज मांग लिया करती हैं। खैर अपनी नहीं, यूजर्स की बात करते हैं। एक यूजर ने लिखा कि ओवैसी पर गोली चली, फिर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि अपने सीएम से कह देना कि मैं जिंदा लौट आया। मामला फेसबुक पर भी काफ़ी चला। एक यूजर ने फेसबुक पर लिखा कि हमले के फौरन बाद ओवैसी का गोडसे का नाम लेना, हमलावर सचिन का गिरफ्तार होना और शुभम का खुद सरेंडर करना, हमला कर हथियार छोड़ देना और कट्टे पर कलावा बंधा होना कहानी थोड़ी फिल्मी लग रही है, कहीं फिर हिंदू और हिंदुत्व को बदनाम करने की साजिश तो नहीं। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि ओवैसी साहब जानलेवा हमले की तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, दोनों गोलियां गाड़ी के निचले हिस्से पर एक सरल रेखा में चलाई गई हैं, ऐसा लगता है कि उन पर लेट कर हमला किया गया है, नाइट वॉचमैन बनकर चुनाव में उतरे हैं, नाइट वॉचमैन का काम होता है मैच बचाना। कई लोगों ने दावा किया कि AIMIM बीजेपी की बी टीम के तौर पर चुनाव में उतरी है, ध्रुवीकरण का फायदा बीजेपी को होगा। बाकी मीडिया में आई वो खबरें भी खूब चल रही हैं कि ओवैसी के पुराने बयानों से आहत होने के चलते इन लोगों ने गोलीकांड कर दिया। आहत होने के लिए सचिन और शुभम के पास और भी बहुत कारण थे। सबसे पहले वो इस बात पे आहत हो सकते थे कि उनका नाम रखने में जरा भी मेहनत क्यों नहीं की घर वालों ने। खैर सबके अपने अपने तर्क वितर्क कुतर्क हैं, अपन सतर्क हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ट्विटर पर एक बच्ची का वीडियो काफी देखा जा रहा है। वायरल वीडियो में बच्ची अपने पापा के लिए परेशान है और रो रही है। दरअसल बच्ची के पापा ग्राहक को सामान लेने के लिए भूखे ही दुकान चले गए। वीडियो में बच्ची अपनी माँ के सामने रोते हुए कहती है कि उसे अपने पिता की चिंता हो रही है, वो सुबह खाना खाकर जाते हैं और रात में लेट आकर खाना खाते हैं, फिर पूरे दिन भूखे ही रहते हैं, इसलिए मुझे उनकी चिंता होती है। वीडियो एकदम जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। एक होता है वायरल और एक होता है जबरदस्त तरीके से वायरल, तो ये जबरदस्त तरीके से वायरल है। वीडियो लाखों बार देखा गया है और इसे कई लोगों ने किया। वीडियो शेयर करते हुए लोगों ने बेटियों को वरदान बताया। एक यूजर ने लिखा कि मन को रुला गया बिटिया रानी का पिता के प्रति भावुक प्रेम। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि पापा की इतनी फिक्र ये होती हैं बेटियां, जिन लोगों को बेटियां बोझ रखती हैं वो एक बार वीडियो जरूर देखें। वीडियो वायरल होते होते कई नामी गिरामी लोगों तक पहुंचा। एक्ट्रेस रवीना टंडन ने इसको शेयर करते हुए लिखा कि बहुत प्यारा वीडियो, भगवान तुम्हें खुश रखे। इसके अलावा भी लोगों ने इस बेटी के प्यार के लिए काफी कुछ कहा। इस वीडियो पर अगर आप भी कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मैं खाना खिला के भेजती हूँ ना, पापा का मैं ध्यान रखती हूँ। लेकिन वो सुबह ही खाते, शाम को खाना खाते क्यों? आप आगे होके बैठो, बताओ। रात को आके खाते ना बेटा, रात को खाते ना, लेकिन शाम को तो उनका पेट खाली रहता है ना, मुझे उनकी चिंता होती है ना पापा की। और रात को भी वो बिना कुछ खाए पिए चले गए तो मेरे को उनकी टेंशन नहीं आएगी तो किस खाएगी? मेरे बात सुन, दुनिया की हर बच्ची को अपने पापा की टेंशन होती है। अच्छा, इसीलिए वो दुख की पतली हो जाती है।
अब बात बेटियों की चली है तो बेटी से जुड़ा एक वीडियो और देख लीजिए। चीन का नया साल लूनर न्यू ईयर 1 फरवरी से शुरू होता है। चीन से आया एक वीडियो खासा देखा जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक बच्ची कुत्ते के पास खड़ी है, अचानक से वहां लोग पटाखे फोड़ते हैं तो डॉगी को डरने से बचाने के लिए बच्ची कुत्ते के कान बंद कर देती है। वीडियो को लेकर यह दावा किया गया कि यह चीन के नए साल के दिन का वीडियो है। वीडियो दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत का, जियांगशी नाम लेने में थोड़ा अटकता हूँ, खैर जियांगशी प्रांत का बताया गया। वीडियो ने हर किसी का दिल जीत लिया, ऑब्वियसली कुत्ता है और बच्ची है इसलिए, और बच्ची के प्यार और समझदारी की तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने कहा कि पूरी दुनिया के इंसान भले ही बॉर्डर में बढ़ जाएं लेकिन ये प्यार और इंसानियत ही सबको एक साथ रखती है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि ये अब तक का बेस्ट वीडियो है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि काश दुनिया वीडियो में दिखने वाली बच्ची जितनी ही दयालु हो जाती तो ऑल इज वेल हो जाता। वीडियो काफी वायरल है, इतना वायरल कि इसे 1 लाख से अधिक लोगों ने रीट्वीट कर दिया है और इतना ही नहीं इसे करीब 10 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है एक ही जगह पे। सोशलिस्ट में आप बारी है पिक ऑफ द डे की, हमारा वो सेगमेंट जहां हम आपको दिखाते हैं अच्छा सा अकाउंट हैंडल चैनल कोई तस्वीर कोई वीडियो बताते हैं हमको तो बड़ा जहां पार लगा आप भी देख लीजिए। आज आपको क्या बताएंगे, आज आपको बताएंगे रील्स बनाने की उम्र में दुनिया घूम रहे और दुनिया भर से वीडियो बना रहे एक लड़के की बात करेंगे हम आज, शुभम नाम के। इस लड़के की उम्र 20 साल है और वो 20 से अधिक देश घूम चुके हैं, मतलब एकदम 2020 टाइप का मामला है। कमाल की बात यह है कि शुभम अधिकतर देशों की ट्रिप लिफ्ट मांगते मांगते करते हैं। शुभम के चैनल का नाम नोमैड शुभम है। शुभम अब तक भारत के 19 राज्यों समेत दुनिया के 20 देश घूम चुके हैं। पहले भी हमने आपको बताया वो भारत से अफ्रीका तक फ्री लिफ्ट के जरिए घूम चुके हैं। वो इराक, यूक्रेन, किर्गिस्तान, दुबई, अफ्रीका समेत कई सारे देशों की यात्रा कर चुके हैं। वो अपने चैनल पर ट्रेवलॉग, एक्साइटमेंट और नॉलेज से भरे हुए वीडियो शेयर करते रहते हैं। उनका चैनल काफी लोकप्रिय है और इसको 20 लाख के करीब लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के टाइम का उनका एक वीडियो तो बहुत ही ज्यादा चला था और खबरों में भी खूब रहा था, तो फिर इंतजार किस बात का, एकदम मस्त चैनल है, इसको देख सकते हैं, आप निराश नहीं होंगे। इस वीकेंड आप भी इनका चैनल घूम लीजिए और वो भी बिना लिफ्ट मांगे घूम सकते हैं। जाते जाते एक और वीडियो देखिए, वीडियो बिहार के सिवान का बताया जा रहा है। वीडियो में पुलिस की गाड़ी रास्ते में बंद हो जाती है और फिर पुलिस वाले उसको स्टार्ट करने के लिए दे धक्का। वीडियो देखकर आपको पता चलेगा कि आखिर फिल्मों में हमेशा पुलिस देर से क्यों पहुंचती थी। लोगों को वीडियो के अलावा वीडियो की लाइव कमेंट्री करने वाले बंदे की बातें भी बड़ी पसंद आ रही हैं। वैसे इतनी देर में तो चोर सिवान से वुहान तक पहुंच जाएगा जितनी देर तक में वो गाड़ी शुरू होगी। खैर आज के शो में इतना ही, देखिएगा वीडियो देखिएगा आज के शो में इतना ही। अब आपसे हम मिलेंगे सीधे सोमवार को, हम चले टाटा, शायद गाड़ी भी चल जाए। ये देखिए प्रशासन का गाड़ी ठेला रहा है, बताइए ये गाड़ी कैसे चोर को पकड़ेगी जो खुद ठेल के स्टार्ट हो रहा है। ठेली लो जी, अब देख लीजिए, बताइए ये सब लोग चोर को पकड़ेगा, देख लीजिए बस और बा गर्दा उर्दा देनी लो।